नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। हर 5 साल बाद 25 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिलते हैं, इसलिए 25 जुलाई का दिन भारत के लिए बहुत ही खास माना जाता है। आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सीजीआई एनवी रमना द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगी, जिसके बाद उन्हें इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में देश को पहली बार संबोधित किया। इतिहास की बात करें तो पहली बार 25 जुलाई को देश के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव ने शपथ ग्रहण की थी, जिसके बाद से ही अब तक सभी राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करते आ रहे हैं। 1977 से अब तक 9 राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की है। द्रौपदी मुर्मू ऐसी 10वीं राष्ट्रपति होगी जो 25 जुलाई को शपथ ग्रहण कर रही हैं। भारत में इमरजेंसी के बाद से अब तक 25 जुलाई को शपथ लेने वाले 8 राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। वहीं आज रामनाथ कोविंद ऐसे 9वें राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ लेकर अपना कार्यकाल पूरा किया है। पहली बार नीलम संजीव ने